जैसा कि दोस्त मैं आपको दिखा देता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं और दोस्तों आप अपने जो पुराने इमोजी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाले, इन्हें यूज कर करके आप बोर हो चुके हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस टाइप के इमोजी भेज सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शोकड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बोरिंग इमोजी को चेंज करके इस टाइप के इमोजी जो कि 3D एनिमेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में आपके फ्रेंड के पास सेंड हो, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ये वाले इमोजी और टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है बबल। AI कीबोर्ड, तो जैसा कि दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं। और दोस्तों आपको इस वाले ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। दोस्तों ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अभी आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद से ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो भी आपको अपने कीबोर्ड पर चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वाली लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और दोस्तों अभी आप यहाँ पर थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह की थीम चाहिए, डार्क चाहिए या फिर लाइट। इसके बाद दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप पर चले जाना है। देन आपको जिसको भी मैसेज करना है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। देन इसके बाद ये सेंड हो जाएगा। और दोस्तों ये तो रही टेक्स्ट की बात, तो इसके बाद मैं आपको इमोजी दिखा देता हूँ। दोस्तों इमोजी इसके बहुत ही फनी है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों इमोजी भेजने के लिए आप जिस भी इमोजी को एनिमेशन फॉर्म में सेंड करना है तो उस पर दोस्तों आपको कुछ सेकंड के लिए टैप करके होल्ड रखना है, जैसा कि दोस्तों मैं ये देखिए। और दोस्तों इसकी सबसे फनी बात, जब भी आप किसी भी इमोजी को भेजेंगे तो उसमें से आपको वॉइस भी सुनाई देगी, तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितने फनी इमोजी है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।